बिस्मिल्लाम दोस्तों साथियों डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको साहब का वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड जनाब आज मेरे मेहमान हैं अब्बास पाठ साहब कई बार आ चुके हैं कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं अब्बास साहब साहब वेलकम टू शो थैंक यू डॉक्टर अच्छा जनाब इससे पहले कि हम बायदा प्रोग्राम का आगाज करें आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट अच्छा वट्सऐप यानी आपसे पहले भी कई बार बात होती रही है कई मौजूद पर तो आज मैं यानी आप आपकी तोजुद दिलाना चाहता हूँ मैंने आपको एक चीज़ व्हाट्सएप पर भेजी थी आज़ाद कश्मीर के जिसको को सो आज़ाद कश्मीर के एक हिसाब ने ए, कहा है कि जिस तरीके से हालात जा रहे हैं पाकिस्तान में गंदम के और दीगर मामल जो हैं महंगाई के तो कह रहे हैं कि अगर पैसा होगा भी तो इंसान हाथों में पैसे लेकर जाएंगे तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो इसमें यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चलो पाकिस्तान के हालात इतने खराब होने नहीं चाहिए लेकिन अगर हो गए किसी वजह से शायद का कसूर है या शबीर चौधरी का कसूर है हो गए ठीक है आप किसी को नहीं कहते तो क्या वजह है कि पाकिस्तान और इंसान आपस में तजार नहीं कर सकते ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम साहब बहुत शुक्रिया आपका ताजी एक जमाना होता था जो थे ना वो सुपर पावर जो बनते थे ना वो जो जंगी लिहाज से ताकतवर कौमें होती थी वो सुपर पावर इस्तेमाल हुआ करता था वो तुर्की का दौर था अपना ओस्मान का दौर था जहाँ भी जो है अमेरिका का दौर द्वारा भी गुजरा लेकिन आजकल का जो दौर है वो असल में जो माशी हालात है ना जो कौमे माशियत में टॉप पर हैं वही कंट्रोल करती हैं दुनिया के निजाम को जहाँ तक पाकिस्तान का तलाक है इसके बारे में कुछ कहना एक तो कहते हुए शर्म आती है शर्म इसलिए लिहाज कि कोई न कोई बदज़बान अपनी जबान पर कंट्रोल किए बगैर तो आपको मुर्दे अल्जाम ठहरा देगा तो उसे कुछ असल वसूल नहीं होता जहाँ तक इनका तल्क है अगर आप इसके पिछले दस पंद्रह बीस साल देखें खा वो नून लीग की हुकूमत रही हो खल्स पार्टी की रही हो ख जो बोगा भाई है इसकी हुकूमत हो इसने भी साढ़े तीन पौने चार साल गुजार दिए थे <laughs> तो उसमें हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि वो कुछ हालात बेहतर किए होने उन्होंने मुल्क से इकत लिहाज से या फौजी लिहाज से या किसी किसी भी लिहाज से हाँ अजाफा अगर किया गया है साढ़े तीन सालों में तो वो जो था दूसरों की माँ बहनों को एक कर देना अभी एक मैं वो देख रहा था वो वीडियो दिखा रहे थे अपने जमान पार के देख के इंसान को शर्म आ रही थी और वो रिपोर्टर भी कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था कि जमान, आ, पाक, जमान पाक जहां पर लाहौर इमरान तो खान साहब छुपे बैठे हुए थे भी तो तो छुपे हुए हैं अपने जजेस के साथ कुछ मकालात करके वो आए हैं कल मेरे ख्याल में वो भी अजीब वाक्य है उस पर भी सोचने वाली बात है कि एक तरफ तो वो जेल भरो की स्कीम चला रहे हैं और दूसरी तरफ जेल में ना जाने की रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे जमानत कर दी जाए अजीब अजीब बातें हो रही है लेकिन फिर भी दुनिया का एक ए, क्या उससे कुछ नहीं कहता बिल्कुल मैं कल क्या आपको मिसाल दू मेरा अपना बेटा कल मेरे कभी उसने कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की सियासत हम करते ही नहीं हमें पता तो है अखलाफा होते हैं कल मैं उसको देख के आराम रहा कि यार जी क्या क्या वो, वो बात क्या किसकी हो रही थी देखो जी ये जो

आपने सुनी कि अकीकित क्या है कि क्या ये जो होते हैं और उस आदमी ने बकायदा में उसका वीडियो देखा है उसने कहा जी मैंने तो वैसे लगा दी थी और इससे कोई नुकसान पहुंचा था मैं माफी मांगता हूँ उसने ये एक यूट्यूबर था जिसने वैसे लगा दी उसको किसी और ने पे कर लिया फिर उसके बाद उस, 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 ने, 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 नेक्स्ट वाले को ना

मेरे अपनी सोच के मुताबिक मैं दूसरा पहलू उसका देख रहा हूँ एक पहलू यह पर भगंडा है झूठ है ऐसी कोई हरकत हुई नहीं है दूसरा पहलू इसका यह है कि अगर पाकिस्तान ने वो चीजें इस्तेमाल नहीं की जो तुर्की ने भेजी थी तो वहां पड़ी हुई थी तो वो अगर आप तुर्क भाइयों को भेजें तुर्क भाइयों पर मुसीबत आन पड़ी है तो इसमें जुर्म गया है मेरे ख्याल में तो इसको शाबाश देनी चाहिए उन्हें कि अच्छा अच्छा काम किया आपने कि अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया आपने बच्चों के लिए जरूरतों नहीं पूरी की लेकिन तुर्क भाइयों के बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए आपने सामान भेजा इसको पॉजिटिव पहलू भी तो देखा जा सकता है ना अगर वो देखना हो तो बगैर ज्यादा जनाब आपके जो जो, 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 जो सवाल आपने शुरू किया था वो एक बड़ा लंबा टॉपिक है वो जिसका जिक्र आपका ना मेरे ख्याल में मुझे भी भेजा गया था मैं भी देख रहा था उसका कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान का असल जो सबसे बड़ा मसला है ना वो है वो दुश्मनी जो 1947 में पैदा की गई और उसके बाद जो भी हुकूमत आई मैं एक सिर्फ पाकिस्तान को इसमें मुर्द इल्ज़ाम नहीं दूंगा उसमें हिंदुस्तान भी तकरीबन तकरीबन बराबर का मुजरम है उस सिलसिले में दोनों एक दूसरे को दोनों जो है ना अपनी सियासत चिमकाने के लिए अपनी हुकूमत में वोट लेने के लिए हिंदू और मुसलमान का नफरत का बहुत बीज उन्होंने बोया वाह हो बिलखसूस जो पिछले दस साल से हो रहे हैं उसमें तो ज्यादा होगा और जब से जम्मू कश्मीर का मसला पैदा हो उससे भी ज्यादा उतार रहा है कि नफरत सिखाई गई है हमें उस नफरत की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते हालांकि जो दोनों मालिक अगर आपस में मिल के बैठे हैं, आपने आपस में मिलके तजारत करें भाई बन गए ना अब उनको क्या जा के के किया जा सकता है ना इन सब पाकिस्तान को उठा के अमेरिका के किसी रियासत में शामिल किया जा सकता है ना हिंदुस्तान को उठा कर किसी चाइना या किसी और रियासत में शामिल कर किया जा सकता है पाकिस्तान भी रहेगा हिंदुस्तान भी रहेगा कोई मरता रहे जीता रहे रहे कैसे भी जिस जो मर्जी हालात हो पाकिस्तान ने भी रहना है हिंदुस्तान ने भी रहना है और ये मेरे ख्याल में किसी जमाने में हिंदुस्तान के दाखला थे, दाखला थे कौन थे उन्होंने कहा था कि भाई आपने तो शायद चेंज नहीं किए जा सकते अगर हम चेंज नहीं किए जा सकते तो, तो कम अज कम इन दोनों मुल्कों के जो सरबरान हैं या जिनके हाथों में कुत है उनको यह सोचने की जरूरत है कि भाई क्यों ये नफरतें क्यों नफरतें डॉक्टर साहब अगर आप खत्म करके एक दूसरे से तजारती करना शुरू कर देना मैं तो इतना कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के लोग जो हिंदुस्तान जाके सैर सपाटे के लिए जाना चाहते हैं अगर इस तरफ आते हैं ये के सैर सपाटे के लिए इसमें अरबों डॉलर की बचत हो जाती है दोनों मुल्कों की अमेरिका से मेहनत करने की महसूस नहीं होती है देखिये अफसोस की बात आती है

हमारी उम्र के लगभग जा रही है मैं से कहता जो आज साठ साल पहले थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नफरत है है, आती है ना वो इंसान के माउफ़ कर देती है वो अक्शर से आदि हो जाता है वो इंसान अच्छा मैंने एक बात कहना चाहता हूँ जाकर तजार तो होनी चाहिए इनकी दूसरी बात ये आती है कि मेरे मेरे भाजे हैं उन्होंने लिख कर भेजा कि अगर पाकिस्तान सिर्फ हिंदुस्तान को राजधारी दे दे कि वो पाकिस्तान को बगैर कोई काम किए थर्टी बिलियन यूएस एस डॉलर सालाना मिल जाते ठीक no है no फिर उसके साथ उसने इजाफा किया कि अगर इसके साथ जिसको कहते हैं ना रिलीजियस टूरिज्म है अगर वो काट जाए तो उसने भी कितने दिखा, कितने अरब सालाना मिल जाएंगे और और कहा कि अगर फंक्शनल हो जाए और उसके भी लोगों को मुहैया की जाए तो उसने काफी बड़ी एक सौ कितना मुझे याद नहीं कोई दिखा था जाता। तो पॉइंट ये है क्या निकाजाइज के इस्तेमाल करते ये मुकम्मल हो जाता तो चाइना का जो माल है वो वस्त एशिया में जाने के लिए उससे वन टेंथ उसकी कास्ट आती थी जो उसकी ट्रेवलिंग कास्ट आती है तो ये सारी बचत चाइना को होती थी ना उसमें उसमें मुनाफा ज्यादा होना चाहिए था ना तो अगर उसमें से दस परसेंट पंद्रह परसेंट रदारी के तौर पर पाकिस्तान को मिल जाता तो ये तो अरबों में बनता है जाके ये नाक, नाक रगड़ना नहीं पड़ती इन्हें फिर

अब वहां गंदम क्यों नहीं होती उसकी सबसे बड़ा रीजन जो है जनाब आजकल का माफिया है ये लैंड माफिया जो है पाकिस्तान का जिसमें आज में क्या क्या, क्या मेरे शर्म नहीं आने चाहिए उसमें जर्नैल भी शामिल है उसमें पाकिस्तान के सारे जजेस शामिल हैं मुझे तो उका दुका ऐसा नजर आता है जिसने किराम तो पी ना की हो ये लेन माफिया के तौर पर जिसमें ब्यूरोट्स भी आते हैं और उसमें सियासतदान भी आते हैं उन्हें जो जरि जमी उनको मिलती हैं क्योंकि जरि जमीन ऐसी होती है जिस पर मकान बनाना आसान होता है इजी होता है उस वो उनको पोकर उसमें उनको पोखड़ के बजाय उसमें गंदम उसमें उगाते हैं उसमें मकई उगाते उसमें आलू उगाते वो उन्होंने कोड़ियों को दामों के दामों लेके क्योंकि जब भी गवर्नमेंट में आते हैं या जो गवर्नमेंट में नहीं भी आते उन कोड़ियों के दामे लेके और उसको सोने के भाव उन्होंने उन जमीनों को बेच दिया वो अच्छा, वहां अब, अब गन्दो गांव पैदा हो अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारा तलक रिया जम्मू कश्मीर से आया

और हम लोग जो हम जाकर खुद लोगों में इसके बारे में आपका क्या सर, ये नहीं है। सबसे पहले, जो ट्रक जाएंगे हुँ. उन पर कैसे किया किया जा सकता गंद और क्या लेके आएंगे अगर आपको याद हो ये क्यों बंद हुआ था जो वाया मुजफर जाया करता था, था पाकिस्तान से उधर एलओसी ओ सी ट्रेडिंग थी हेलो क्या हुआ था यानी उसमें से जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं तो कुछ और था अगर पाकिस्तान ये कर सकता है तो हिंदुस्तान को हम कैसे मुबर्रा कर सकते हैं पहली बात और दूसरी बात डॉक्टर साहब अगर आप आपको तो जिंदगी गुजर गई है कश्मीर इशू पर ही आप ये गंदम है इसको मुसलमान गंदम करेंगे तो मुसलमान खाएगा ना हिंदू गंदम को खाएगा कौन को? ये मुझे बताया पड़ेगा तुछ, 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 या तो 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 इसके सुन्नत पड़ेगा पड़ेगा या कुछ ना, कुछ ना, कुछ ना करना अदरवाइज़ ये तो खाने से रहे हम. अच्छा, मैं, मैं, है, मेरे अगर उनके अपने पाकिस्तान के जो है

तो फिर क्या मुझे बहुत इन्हें अफसोस भी आ रहा है तरस आ रहा है लोगों पर फिर क्या किया जाए हाउ कैन वी हेल्प सर हम आम मदद कुछ नहीं कर सकते ये जो हुकूमतें हैं चलाने वाले या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो या फिर एस्टेब्लिशमेंट है ये सब काम वो कर सकते हैं जो कुछ तब्दीली ला सकते हैं जो कुछ फैसला कर सकते हैं अब मेरे और आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा ना हमारी किसी बात पर किसी मशवरे पर किसी ने करना है लिहाजा ये चीज ये ये ये, ये टॉपिक मेरे ख्याल में इन बड़ों के लिए होना चाहिए कि भाई आप कुछ करें आप जान बूझ के इस मुल्क को तो तबाही के दाने में मत लेके जाए अच्छा, ये, ये मुल्क है तो आपके जर्नैल भी हैं ये मुल्क है तो जजेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस भी हैं ये पाकिस्तान है तो सियासतदान हैं तो सदर बनते हैं कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है कोई एमएनए एन ए बनता है क्या क्या, क्या, क्या बनते हैं ये ये मुल्क है तो ये मुल्क अगर खुदा न खास्ता ना रहा

ऐसी लीडरशिप प्रोवाइड करे या ऐसे भूखे ना प्रोवाइड करे जो कुछ हो रहा है अब कल का वाक्य आपने देख लिया साहब मेरे पांच महीनों के बाद वो अपने उस से निकले लड़खड़ाने के एक्टिंग जबरदस्त कर रहे थे जो फिल्म आदमी याद आ गई उसमें दिलीप कुमार के एक्टिंग उससे बेहतर अदाकारी कर रहा था उमरान खान ने किस किसकी एक्टिंग से दिलीप कुमार साहब होते हैं एक उनमी फिल्म आदमी थी आदमी अच्छा हाँ ठीक वो आज पुरानी रहो उससे कोई आवाज ना दे उसमें वे लगड़ाते हुए ऐसे ही चलते हैं और जबरदस्त किस्म की एक्टिंग की थी उन्होंने बड़ी मशहूर हुई थी फिल्म तो उमरान खान साहब की एक्टिंग देख के भल्ला पांच महीने गुजर गए उनको गोलियाँ गोलियाँ नहीं गोलियों के छिड़े कहते थे लगे थे वो आज तक तो ऐसा कौन सा जख्म है जो नहीं जा रहा है ऐसा दर्द कौन सा है जो अभी मैं एक आज ही आया वो किसी का

राइट टू प्रोटेस्ट यानी एक फंडामेंटल राइट right है लेकिन राइट टू मेक लाइफ ये तो राइट नहीं ना है ना हमारे पास अब जमान पार्क जो एरिया है वहाँ के लोगों की क्या हालत होगी जो रिहायशी है वहाँ पर यहाँ पर तो कहते हैं वहां पर बांगड़ी बांग डाले जाते हैं ढोल बजाए जाते हैं डांस होता है गीते गाते हैं नाराबाजी होती है तो वो उन लोगों का क्या कसूर है सिर्फ ये इसलिए कि वो इमरान खान के पड़ोस में रहते हैं उनकी ये जिंदगी बनाती है ये कौन सा ह्यूमन राइट है

वो भी किसी ने लिखा हुआ डिटेल से जब मर्जी वहां पर दाखिल हुई कोर्ट में तो पीछे से डोर ना वो क्लिप किसी की वजह से जोर से बंद हुआ तो जज साहब ने अब फोरी रिमार्क दिया कि क्या आपको मालूम नहीं है ये कोर्ट है और उसको कोर्ट को डोर कैसे बंद किए जाते हैं कल वो कल वही जज साहब आते हैं अब पंद्रह मिनट गुजर गए वो आ रहे हैं अब आधा घंटा बढ़ा देते हैं वो आ रहे हैं वही बेचारा तीन चार घंटों के बाद वहां पर वो पहुंचा और जो आल थी कोर्ट के वो मछली थे, थे और शायद खकान अबासी भी सबक वजीर आजम था बिल्कुल और हमेशा वो आता रहा वो खुद ही आता कोई उसके साथ ढोल बजाने वाले या सिक्योरिटी वाले नहीं होते खुद आता हालांकि वो बड़ा आदमी है अमीर आदमी है वो भी ठीक है

एक्चुअल वकील था वो लेट था वो लेट जूनियर भी रहा कि मिनट अंदर अंदर उसी वज सवान उठ रहे थे तो उन्होंने अगली वो हफ्ते के डेट आगे कर दी उन्होंने बैठना सुनना गुवारा नहीं किया उन्होंने इसको अपनी तोहिन समझी इतने लाडले के पता नहीं क्या चक्कर है लाडले के साथ व्हाट्सएप ये बात शुरू कर ही दी है ठीक है कहते हैं तोहहीन हो है। तो उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है ये कोई तरीका है। एक आदमी जो है ना आ रहा है वो कहता है कि कितने महीनों से जा नहीं रहा हर बार वो 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 कहता है कि वो, उनके वो अपने जूती के बराबर नहीं समझ रहा किसी को पाकिस्तान में ठीक है रहे हैं कहते हैं। अभी आ रहे हैं जी अभी आ रहे हैं फिर कहते हैं कि एक घंटा तो वो अदालत के बाहर गाड़ी में बैठा रहा कार पार्क में ठीक है तो ये अंदर बैठे हुए हैं वो अंदर बाहर बैठा हुआ है और जो जो वहाँ के लोगों को मैंने बात सुनी है और जो वहाँ पर तजिया नगार मौजूद थे वो कहते हैं कि एक बार भी इमरान खान या किसी पी टी आई की लीडर ने लोगों को ये नहीं कहा कि रस्ता छोड़ दें और हमें अंदर जाने दें वो से बैठा हुआ लोग बा, बांगड़े डाल रहे हैं ये कौन से कौन सा जज है कौन सा मैं अकेले जजों को नहीं उसमें मुर्दाई ये ना अकेले जजों का काम है सबसे बड़ी इसमें बुजदीली घटिया बान में कहूँगा ये है शबाज शरीफ की हुकूमत का अगर उसकी हुकूमत में ताकत नहीं थी उसके टोंगू में ताकत नहीं थी सकत नहीं थी तो हुत लेने का क्या क्यों ली उसने हुकूमत अब हुकूमत लिया तो उसको जो उसके फ़राइज है वो पूरे करे जो हकूक है उसके पास वो भी पूरे करे उनकी वो क्या घर बैठा क्या कर रहा है वो कभी सलाब में भाग रहा है क्या कर रहा था सलाब में बाकी चीज़ों ने क्या किया है उन्होंने हुकूमत ली थी उस वक्त अगर अकुल शहूर होता तो उस वक्त इलेक्शन करा देते इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाता तो आज ये सब कुछ ना होता वो सब हर चीज उसको डीजी दी हुई है उस जब इमरान खान वो जिसे चाहता था गिरफ्तार करा देता था अब क्या है इनके पास भी तो वही है, वही उनके पास भी वही पावर है इनके पास भी ये क्यों नहीं करने से कासर क्यों है दूसरे तो तो ये ये के कुछ कह नहीं रहे हैं या फिर कुछ और बात होगी बात यह भी है उनके पास जनरल फैज नहीं है उनके पास जनरल बाजवा नहीं है उनके पास वो सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है उनके पास वो गर्व सपोर्ट नहीं है जो इमरान खान साहब को इंटरनेशनल इंटरनेशनलिशमेंट ने प्रोवाइड की हुई है कोई ये, है। ये इसी बात के की आना चाहता था असल बात यह है असल में बाजवा भी कुछ नहीं कर सकता था फैज अमीर भी कुछ नहीं कर सकता आज तो चेंजेस आ चुकी है ना। वो कम अल मतलब कम न्यूट्रल होके बैठ गए मैं वो न्यूट्रल कह रहा हूँ जो एक दूसरे का हमारे नहीं करते हुए तो इमरान खानों ने न्यूट्रल कहता था उन्हें वो मैं नहींफाज सम्माल कर रहा हूँ जो मतलब नहीं नकार रहा उनका हाँ ये जरूरी है कि आज शहबाज के पास ना तो इसराइल की अमदाद है ना गलब हिंदुस्तान की मदद है उनके पास ना अमरीकन को ऐसी मदद आ रही है लेकिन ये जो दो है उसको तो इस परपज के लिए लाया गया था कि तुमने इस मुल्क को हाल ये करना है जिस पर वो तकरीबन तकरीबन कामयाब हो चुका था लेकिन बदकिसमती उसके बाद जो है शायद फौज फौज के जर्नात उन्हें ओशा याशिया जो भी हुआ उसके बाद कुछ चेंजेस होने आना शुरू हुई और ये 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 एक हकीकत है कि एक अकेला आदमी कहा वो इमरान खान हो या उसकी पार्टी हो का वो नवाज शरीफ हो या उसकी पार्टी हो पाकिस्तान को ना तो आसमान पर लेके जा सकते हैं ना उसे जमीन के अंदर दफन कर सकते हैं अब जो हालात पैदा किए गए उनके पीछे बचाव जो है सिर्फ एक ही है को बहुत बड़ी कुवत उसके ऐसी है जिसकी आशीर्वाद हासिल है उस आशीर्वाद के बगैर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता दूसरे लफ्ज में आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म है ए, हो सकता है वो आउटसाइड पाकिस्तान हो लेकिन उसका असर सुख इतना पाकिस्तान के इनसाइड पर कि कोई आदमी कोई इदारा कोई जज कोई जर्नैल कोई आई कोई इदारा जो है सिक्योरिटी सर्विस

मैंने कहा यार ये तो पाकिस्तान ने जीता था लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने जीतने के बाद जो बेनिफिट हुआ प्रैक्टिकली वो किसको हुआ मैंने वो बेनिफिट इमरान साहब ने कैश कराया है हाँ यही तो बात है अब तो मुझसे पूछा आपका ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग थी उस वक्त वर्ल्ड कप जीत चुकी थी हालांकि शुरू में सारे मैच वो रहे थे अचानक उनके पलरा चेंज हुआ और जितना शुरू कर दिया तो एंड ऑफ द डे उन्होंने जो उसको साथ लगाया उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान की आज की हालत है वो वर्ल्ड कप से शुरू हुई थी तो इमरान खान साहब थे वो वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद इमरान खान खुद ही से खत्म करके जाने वाले थे अदरवाइज आप मुझे ये उन्होंने दूसरी मिसाल दी उन्होंने कहा मुझे ये बताया कि बिलियन एयर दुनिया का अमीर तरीन यहूदी जिसका असर सुख पूरी दुनिया पर वो अपनी बेटी की शादी इसमें से क्यों कर रहा है वजह है इसकी मैंने कहा यार आपकी सोच लंबी सोच है मेरे पास कम अज कम इतनी भी नहीं है, ना कर हूं, ना मैं कहना चाहता हूँ तो ये, 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 ये मामला क्या हुए हैं सारे अच्छा वाट साहब असल में एक आदमी ने कहा जो आपने बात की है मैंने सुनी हुई है वो एक ने कहा वर्ल्ड कप भी आप ले जाएं इमरान खान को ले जाएं हमारी जान छोड़े अच्छा नाजरीन हम इसी पर खत्म करते हैं इन आपसे दोबारा बात होगी किसी नए मेहमान के साथ हमने हल्के के अंदाज में बात की है पर बेसिकली मेरा ज्यादा कंसर्न ये था कि इस वक्त ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और फूड इतना महंगा हो चुका है कि जितना क्या कहा जा सकता है सफरिंग सफ्र, उनकी तक हो चुकी है

आई एम एफ पाकिस्तान का बना हुआ एक इंसान की शक्ल के पास बनाया हुआ ये पाकिस्तान है तो उसका मायना किया जा रहा है वो भी देखा हुआ <laughs> बिल्कुल उस पर खड़े उस पर कुछ बात हम नहीं कर सकते नहीं कह सकते तो वो लीव इट एट दैट हमारी तरफ से खुदा हो जाए लुकाफ्टी के साथ ओके सर अल्लाह हाफिज़